प्रूफ है। प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इमेजिन करो आपके पास ये एक लिक्विड है, लिक्विड में एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर लिक्विड के अंदर है, ये लिक्विड नहीं है, ये एक प्योर बॉडी है। इस बॉडी का सरफेस एरिया ऊपर से ए और नीचे से ए है, इस बॉडी की खुद की हाइट क्या है, एच है, और लिक्विड की सरफेस से अपर सरफेस की हाइट क्या है, एक्स है। तो मेरे को ये पता है कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा लिक्विड का, एक्स रो जी। तो कितना प्रेशर लगेगा लिक्विड का, एक्स रो जी। एटमॉस्फेयर तो चलो हर जगह लगेगा, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, तो लिक्विड का प्रेशर एक्स रो जी। इसमें डेंसिटी किसकी है, बॉडी की कि लिक्विड की, लिक्विड की, एक्स रो जी, एच रो जी। में हमने थ्योरी में बॉडी ली कहां, तो पॉइंट लेते थे, तो सारी डेंसिटी एच रो जी में किसकी होती है, लिक्विड की। बॉडी की तो डेंसिटी ली नहीं मैंने, तो लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो ये प्रेशर आ गया। यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी बोलो, एक्स प्लस एच रो जी। यहां पे हाइट क्या होगी लिक्विड के कॉलम से, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच इंटू रो इंटू जी, क्लियर है। तो लिक्विड नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एफ वन और ये वाला लिक्विड ऊपर फोर्स लगाएगा एफ टू। ये एफ वन की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर इंटू एरिया, तो एक्स रो जी इंटू एरिया क्या ए, और ऐसी एफ टू की जगह एक्स प्लस एच इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया ए, क्लियर है, ठीक है यहां था। तो फोर्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है नीचे की फोर्स बड़ी होगी ऊपर की फोर्स से, क्योंकि नीचे का प्रेशर बड़ा है ऊपर के प्रेशर से। तो नेट फोर्स कहां होगी, नेट फोर्स कहां पे होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, कितनी, एफ टू माइनस एफ वन। ये फोर्स कहां पर है, ऊपर, ऊपर को क्या बोलते हैं, अप, और फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। यही मेरा अप थ्रस्ट है। तो अप थ्रस्ट कुछ नहीं है, अप थ्रस्ट है नीचे की फोर्स माइनस ऊपर। आप अगर कूद जाएंगे पानी में तो पानी का नीचे का पानी आपको ऊपर फेंक रहा है और ऊपर का नीचे फेंक रहा है, तो अगर नीचे की फोर्स बड़ी होगी अप थ्रस्ट बड़ा होगा ऊपर आ जाएंगे, ऊपर की फोर्स बड़ी होगी आप डूब जाएंगे। तो अप थ्रस्ट है, क्लियर है। तो अप थ्रस्ट कुछ नहीं है, अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन। अब एफ टू पढ़े पता है, एफ वन पता है, दोनों को माइनस किया तो ए एक्स रोजी कैंसिल होके आपके पास क्या बच गया, ए एच रोजी। तो ये अप थ्रस्ट की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना इधर, ये इंपॉर्टेंट है, अप थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ गई, एरिया इंटू एच। उस क्यूब का एरिया ए है और हाइट उसकी एच है, तो ये क्या है, बॉडी का वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की बताया था। तो अगर बॉडी का वॉल्यूम है और लिक्विड का वॉल्यूम तो एक ही बात है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी ही लिक्विड में है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या है, वेट, किसका, जिसकी डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी चल रही है, लिक्विड की। तो बेसिकली पता है क्या आ गया, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये स्टेप समझ में आया, यहां पर ये जो मैंने टर्म निकाल ली अप थ्रस्ट वो इसके इक्वल आ गई। इसके अंदर ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी या लिक्विड एक ही बात है इसमें, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड में ही है, तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड या बॉडी का वॉल्यूम एक ही बात है। डेंसिटी से पता लगता है किसका वेट है, किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की, तो वेट भी किसका है, लिक्विड का है। अगर ये बॉडी की डेंसिटी होती, वेट किसका आता, बॉडी का। शुरू से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड ले रहे हैं, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो प्रूव कर दिया कि अप थ्रस्ट एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वन एंड दी सेम थिंग। ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। अब मुझे पता है कि वेट हवा में कितना है, W1, और लिक्विड के अंदर जाके क्या हो गया, W2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या लगा, अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट का मतलब क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बात यही तो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ, यही तक प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसमें कि इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स कंप्लीटली या पार्शियली, पूरी डाल दो या आधी डाल दो, इट लूजेज वेट, वो लूज कर जाएगी वेट, W1 माइनस W2, विच इज वॉट, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, इट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो मैंने भी तो यही किया, लॉस इन वेट मुझे पता था अप थ्रस्ट है, और मैंने क्या प्रूव किया, अप थ्रस्ट क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यही तो आर्किमिडीज है कि लॉस ऑफ वेट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मैंने इसको प्रूफ किया मैथमेटिकली, ये आपने करके आना है अपने डेरिवेशन के अंदर।